ये हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, लेकिन अकलियतों के साथ, हिंदुओं के साथ, क्रिश्चनों के साथ, उनकी बेटियों के साथ होती है, हम इस नानसा को नहीं मानते, क्योंकि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। हमारे हकूक उतने ही हैं जितने मुसलमान के हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जज साहब ने फैसला किया है कि उनकी बच्चियाँ नहीं है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि 13 साल की बच्ची है जिसको जबरी तौर पर, जिसका मजहब तब्दील कर करके, जिसको मुसलमान करके एक 44 साल शख्स से शादी कर दी गई है। ये किस तरह का इंसाफ है? जिस तरह आप मुसलमान इस मुल्क के शहरी हैं, हमारी कौम की, मसीह कौम की इस मुल्क के लिए कुर्बानियां हैं, जिस तरह आप इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। हमारे लोगों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये जबरी तौर पर एक मजहब तब्दील करके उनको मुसलमान कर देना, एक अधेड़ उम्र आदमी से उसकी शादी कर देना, कोर्ट का ये फैसला हम चैलेंज करते हैं। इस पर कोर्ट नजर सानी करे। जिन जज साहब ने ये फैसला, उनको इस फैसले को करनी चाहिए। जिस तरह आपका 14 साल की, 13 साल की, 18 साल से पहले की किसी उम्र में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, आपके नाम पर सिम इशू नहीं होती, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, तो ये मजहब कैसे तब्दील हो सकता है? उसका निकाह कैसे हो सकता है? ये जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते।